Welcome back. You're watching Mirror Now. The landmark Uniform Civil Code or UCC bill has been tabled in the Uttarakhand Assembly today. The bill, remember, was introduced by the Chief Minister Pushkar Singh Dhami amid Jai Shri Ram and Vande Mataram chants. The bill has been tabled during the ongoing four-day special session of the Assembly convened to enact the legislation. The primary objective of the bill is to establish a legal structure that ensures consistency in marriage, divorce, land, property and inheritance laws for all citizens within the state, irrespective of their religion. Remember, India does have a Uniform Civil Code, but not a Uniform Civil Code. Uniform Criminal Code, I beg your pardon, but not a Uniform Civil Code. Now, if this bill is passed by the House, Uttarakhand will be the first state in the country to implement the UCC. माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को पुनः स्थापित करता हूँ। Now, shortly after the introduction of the UCC bill in the House, Congress protested against the move. Uttarakhand Assembly Leader of Opposition Yashpal Arya said that they are not against the UCC, but the BJP has flouted the rules of conduct of business in the House. He alleged that the ruling party wanted to suppress the voice of the MLAs based on the strength of the numbers. सदन कार्य संचालन नियमावली से ही संचालित होता है और भाजपा उसकी लगातार अनदेखी कर रही है और वो संख्या के बल के आधार पर माननीय विधायकों की आवाज़ को दबाना चाहती है और ये हक है, अधिकार है माननीय विधायकों का कि वो सदन में अपनी बात को रख सकें, प्रश्नकाल में अपने चाहे नियम 58 के अंतर्गत हो, चाहे कार्य काम रोको प्रस्ताव हो, चाहे अन्य नियमों के अंतर्गत वो प्रदेश की आवाज़ को, प्रदेश के विभिन्न मुद्दों को, विधानसभा और अपने विधानसभा के मुद्दों को उठाने का उनको अधिकार है। क्या हुआ सर, सदन में क्या कार्यवाही हुई? आज मुख्यमंत्री जी ने सदन के पटल पे यूसीसी बिल को रखा है। यह उत्तराखंड का सौभाग्य है। मैं जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ये उत्तराखंड का, उत्तराखंड प्रदेश इतिहास प्रदेश बन गया है। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के सपने को आज पूरा करने उत्तराखंड जा रहा है। 740 पेज का ड्राफ्ट है और विपक्ष इससे भागना चाहता है, लेकिन सरकार ने, कार्य मंत्रालय समिति ने 6 और 7 दो दिन का बहस का पूरा समय दिया हुआ है और उम्मीद है कि एक दिन का और बढ़ सकता है। विपक्ष का कहना है कि ड्राफ्ट की कॉपी नहीं दी गई, पता ही नहीं चल रहा है उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। ड्राफ्ट को एक साथ सबको जब टेबल किया गया तभी सभी को मिलेगा, पहले नहीं दिया जा सकता, गोपनीयता का विषय है। अब सबको सौंप दिया गया है, बहस के लिए पूरा 2-3 दिन का समय है, पूरा बहस करें, क्या दिक्कत है। बिंदु क्या है सर इसमें जो जिससे विपक्ष डर रहा है? विपक्ष ने हमेशा, जब से देश आजाद हुआ तब से लेकर आज तक विपक्ष ने हमेशा तुष्टिकरण की राजनीति की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी संतुष्टिकरण की राजनीति करना चाहती है। जो देश में बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हम लोगों को मौलिक अधिकार दिया है, उन मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए यूसीसी का लागू होना बहुत आवश्यक है, लेकिन एक वर्ग विशेष के वोट के लिए कांग्रेस हमेशा काम करती आई है, उसी का लालच है जिसकी वजह से विपक्ष भागना चाहता है। आज बड़े आसानी से, सरलता से यूसीसी विधानसभा के अंदर पास हो जाएगा। मुझे पूरा भरोसा है कि अन्य स्टेटों से भी धीरे धीरे जब आएगा तो निश्चित है कि पास होगा। और उसमें जो लोग भ्रमित कर रहे हैं कि किसी समुदाय को डराना, किसी तरह का पूजा पाठ पद्धति धर्म, ये उसमें कुछ नहीं है। निश्चित धर्म से ऊपर उठकर ये है। The other day, Honorable Uddhavji Thackeray has already made a statement. What exactly you want to do by making a civil, common civil code? So we would like to know, there are Hindus too who are going to get affected of the joint families and other. So on that context, we would like to know the explanation from the government or the clarification from the government, and then we will see, make a statement on it.
देखिए, हम सब उत्तराखंड के विधायकों के लिए ऐतिहासिक क्षण है, लेकिन इससे बड़ा आनंद क्या हो सकता है? समान नागरिक संहिता जो हमारी विचारधारा का विषय है, जो सभी नागरिकों को समान नागरिक अधिकार देता है, उसे बिल माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने आज विधानसभा के पटल पर रखा और हम उसके साक्षी हैं। कोई किसी का हक नहीं छीनता, हम तो सबको बराबरी का हक दे रहे हैं। इसमें हक देने की बात है, लेने की बात कहाँ से आती है? अगर एक सा शादी का अधिकार होगा, एक सा अगर आपको अपने शिक्षण का, एक सा नागरिकता का, एक सा आपको अपने देश के प्रति सेवा करने का कोई अधिकार दे रहा है, तो एक भाव है, समभाव। इसमें दुर्भाव कहाँ है? इसमें दुष्प्रभाव भी नहीं है, एक सा भाव है, और इसके लिए बधाई के पात्र हैं धामी जी।